जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सावन का पावन महीना चल रहा है और हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगा है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ किसको प्रसन्न करते रहते हैं, कौन से मंत्र का हर वक्त वो जाप करते रहते हैं और कौन सा महामंत्र उन्होंने दिया था माता पार्वती को। इस मंत्र की खासियत ये है कि हम भी इसका चलते फिरते जाप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। महादेव जी को एक बार बिना किसी कारण के प्रणाम करते हुए माता पार्वती ने देखा और पूछा, प्रभु आप प्राय किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी ने पुनः पूछा, भगवान आप बार बार शमशान भूमि में क्यों जाते हैं और अपने अंगों पर चिता भस्म का लेपन क्यों करते हैं? उसी समय शिवजी पार्वती जी को शमशान लेकर गए। वहाँ एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला रहे थे। शिवजी ने कहा कि देखो पार्वती, इस शमशान भूमि की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए ही आते हैं और इस शव के निमित्त ही अनेकों मुख से मेरे अति प्रिय दिव्य राम जी का नाम निकलता है, उसी को सुनने में शमशान में आता हूँ। इसलिए इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। इससे जुड़ा हुआ एक अन्य प्रसंग भी है, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक बार शिव जी कैलाश पहुंचे और अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी से भोजन मांगा। उस समय माँ पार्वती जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा, हे विश्वेश्वर, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, देवी इसमें तो बहुत समय लगेगा और श्रम भी लगेगा। संत जन जिस प्रकार सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा ही उपाय आप भी कर लीजिए। पार्वती जी ने पूछा, वह उपाय कैसे करते हैं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। क्योंकि पार्वती जी को उपाय नहीं पता था तो उन्होंने आग्रह किया महादेव से कि महादेव उन्हें बताएं। पार्वती जी का आग्रह सुनकर शिव जी ने बताया, हे देवी, मात्र एक बार ही राम नाम का जप कर लो, तुम्हें सहस्त्र नाम यानी कि 1000 नाम जप का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती को राम नाम का मंत्र दिया और वो मंत्र इस प्रकार है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। मंत्र सुनकर पार्वती जी ने वैसा ही किया जैसा भगवान शिव ने कहा था। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला है, सारे संसार को शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं इस राम नाम को बार बार प्रणाम करती हूँ। भवसिंधु की सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भस्म कर देने वाला यानी समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्ति प्रदान करने वाला, यम दूतों को भगाने वाला केवल राम नाम का जप ही है। प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जप करते रहना चाहिए और अभिवादन आदि में भी दूसरों को प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए। संसार समुद्र से पार होने का यही सबसे सुलभ और अचूक उपाय है। जो भी व्यक्ति इस संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहता है, उसे जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। एक बार फिर से इस मंत्र को मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में भी दिखा गया है, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं।
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम का नाम हजारों दिव्य नामों के बराबर है। जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में जय श्री राम।